This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रल्फ की एनेस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आर्य चरित होते हैं जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी जो दिर्दी वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के 2 नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कॉर्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देते हैं। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्पले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्पले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्पले का बचाव लिया लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्पले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है लेकिन
कानाफूसी अभियान बाद की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता खोरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया, जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डेलस की छठे पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैसे के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से आधिक है। वह अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टनली की टूपी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहले रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेक्टर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित। 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था।
और इसकी शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 3-5 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉफियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादक और करियर हाइट लाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2016 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रल्फ की एनेस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कोऑर्डिनेटर थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कॉन्क्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनकलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी, जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उलटना चाहते हैं। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कॉर्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एक तरह करना शुरू कर देते हैं। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष दृष्टि की पेश किया, जिसमें टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक
कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में आर्टेमी का सामना करके हलचल मचा रही थी। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और आर्टेमी की 3 साल के थे तब उनका एक बेटा आर्टेमी से हुआ था। लॉरेंस आर्टेमी से भिड़ती है जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। आर्टेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनक्लेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्टर एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की छठे पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि देवन पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बंद मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। जनवरी 23 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवर रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेटर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 23 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 24 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 24 को निर्धारित। 24 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और
टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। पहले से अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस किस्त में दर्शकों 3-5 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉक्सियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 8.10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादक और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टूकी, जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनकलेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को पहले बीएफ यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनकलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनेटेस से मिलकर आयरिश चकित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी जो दिर्दी वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एक तरह करना शुरू कर देता है, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्षदर्शी की पेश किया, जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने
उदारवादी वोट को विभाजित कर दिए। एकता उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेली ने जो एडेमी की होमोफोबिया को तुतश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ के नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनस के भोजन कक्ष में एडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे, तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है, जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है, क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया, जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की छठे पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि देवन पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बहुत मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है, जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है, क्योंकि पुराने पोप के प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है, क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टर्नली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। जनवरी 2023 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की, क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवर रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पोरपसंद कंपनी इंडियन पेट्रस के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 2023 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 2024 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 2024 को निर्धारित 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए
विशेष प्रस्तुति अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली, मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की, जो भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। पहले से अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटक रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 3-5 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉपियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.10 है। व्यवसाय की आम सहमति कहती है रॉल्फ प्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टूकी, जॉन लिथंगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कोऑर्डिनेटर थॉमस लॉरेंस वेनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार के रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बेल्जियम यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एनकात में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आर्य चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, 2 अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, 3 टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और 4 टेसेको की एक परंपरावादी, जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के 2 नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देते हैं, कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देता है, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि
पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लरेस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिए। एकता उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तुतश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनस के भोजन कक्ष में अर्डेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यवृंद है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्बले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की 6वें पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बंद मजबूर कर देगी। वह बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगरस्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप के प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस क्रिमिनल की एनएस जॉन लिथंगो एस्टर्नली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 23 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सीने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की 9 स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पुरपसंद कंपनी इंडियन
पेड ट्रस्ट के माध्यम से फिल्म का स्टाफ वित्त पोषण किया। नवंबर 2023 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण आधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 2024 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 2024 को निर्धारित 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली, मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की, जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटक रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसकी शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉकेशियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ प्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नरी टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कोऑर्डिनेटर थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार के रहस्यों और घोटाले की जांच करते हुए पाता है। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बेलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एनकात में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी, जो दिर्दी वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते भाषण देते हैं, कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देता है, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल
चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एकता उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तर्क समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनल्स के भोजन कक्ष में अर्डेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाद की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती है। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ताखोरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किए जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की 6वें पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लोपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वह बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका ऑब्डेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप के प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ की एनएस जॉन लिथगो एस्टेनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सपराना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की 9 स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशनल एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार
फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेटर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 2023 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 2024 में कंक्लेव की घोषणा, 8 सितंबर 2024 को निर्धारित 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली, मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की, जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। पहले से अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनक्लेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉकेशियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनक्लेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनक्लेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार के रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाता है। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को ब्लैक बियर यूके की तरह यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अक्रबिशप बेनिटेज से मिलकर आर्य चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार, 1 बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, 2 अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, 3 टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और 4 टेसेको की एक परंपरावादी, जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के 2 नेता हैं।
पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कॉन्क्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देते हैं, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे दर्ज कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक पेटिस्ट की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में अर्डेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे, तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्टर एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की 6वें पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वह बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ की एनएस जॉन लिथगो एस्टेनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कॉस्टिंग
की घोषणा की, क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्म कान सिने सिटी में भी हुआ है। फिल्म कान मार्च में सपराना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नव स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवर रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसंद कंपनी इंडियन पेटकस के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा, 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली, मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की, जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था, और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 3-5 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 6-7 कॉकेशियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ प्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 22-4 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय किए। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फेनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाता है। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 22-4 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 22-4 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को ब्लैक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनकलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होता है। कॉलेज कबूल के अक्रबिशप बेनिटेज से मिलकर आर्य चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार, 1 बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, 2 अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रीति
प्रतिवादी थी टेम्बले, एक मुख्यधारा की रूढ़िवादी, और फोर टेसेको की एक परंपरावादी जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उलटना चाहता है। बेलिनी और लेरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लेरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कॉन्क्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देता है, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे दर्ज कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले के इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे, तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्बले ने नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्बले को रिश्ता होरिस को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की 6वें पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैसे के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से
आदि थे। वह अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखते क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टेनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्म कान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्म कान मार्च में सपराना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नव स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेटकस के माध्यम से फिल्म का वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित। 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 3-5 वर्ष से अधिक उम्र में थे जबकि 6-7 कॉक्सियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल प्रीनेस के बेदाग निष्पादक और करियर हाइट लाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 22-4 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2016 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रल्फ की एन एस एस्टेनली टूकी, जॉन लिथगो, सर्जियो कैस्टोलिटो और इसाबेला रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कोऑर्डिनेटर थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 22-4 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 22-4 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को ब्लैक बियर यूके की तरह यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई।
पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कार्डिनल्स के कॉलेज कार्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कन कलयुग के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेस से मिलकर आर्य चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए चार मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्य प्रतिवादी थी। टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेस्टेको की एक परंपरावादी जो दिड़ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहते हैं। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कॉन्क्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देते हैं। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले के इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्षदर्शी की पेश किया जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक पेटिस्ट की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी की 3 साल के थे, तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है, जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन काना खुशी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलियों में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्टर एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की 6वें पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपस पोपी की हिस्ट
हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बंद मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वो अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास ए भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लरेस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से आधिक है। वह अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 2022 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टेनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। जनवरी 2023 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्म कान सिने सिटी में भी हुआ है। फिल्म कान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 2022 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेटर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 2023 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 2024 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 2024 को निर्धारित। 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7.35 वर्ष से अधिक उम्र में थे जबकि 6.7 कोएफिशिएंट थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 1.78 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 8.1 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादक और करियर हाइटलाइट का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रल्फ की एनएस एस्टेनली टूकी, जॉन लिथगो, सर्जियो कैस्टोलिटो और इसाबेला रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए
एक पोप कॉन्क्लेव का आयोजन करते और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की राशि और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कन कलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अक्रबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, 2 अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, 3 टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और 4 टेसेको की एक परंपरावादी जो दिर्दी वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के 2 नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कॉर्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कॉन्क्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एक तरह करना शुरू कर देते हैं। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्पले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्पले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्पले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तर्श समझते हैं, एक प्रतिष्ठ के नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्पले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी की 3 साल के थे, तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है, जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाद की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है, क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया, जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉर्डिनल्स की
छठे पत्रा पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बहुत मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टनली की टूकी और इसाबेला रेस रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्म कान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्म कान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी फोरकसन कंपनी इंडियन पेटर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले से अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटक रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे जबकि 6-7 कॉकेशियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 8.10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ प्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 22-4 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ
की एनेस एस्टेन नरी टू की जॉन लिथांगो सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के फिल्म में कोऑर्डिनेटर थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले उपयोग का चुनाव करने के लिए एक पॉपकॉर्न कलेव का आयोजन करते और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कन कलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अक्रबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, 2 अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, 3 टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और 4 टेसेको की एक परंपरावादी जो दृढ़ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के 2 नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कॉर्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देते हैं कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कॉन्क्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देते हैं, खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तुतश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कर्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी की 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और
सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेररिस्टों ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटे ने जवाब दिया कि हिस्सा का जवाब हिस्सा ने हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की छठे पत्रा पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि देवन पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए बहुत मजबूर कर देगी। वह बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस क्रिमिनल की एनएस जॉन लिथगो एस्टर्नली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सिने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवन रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पुरपसंद कंपनी इंडियन पेक्टर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित। 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले से अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे जबकि 6-7 कॉकेशियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। व्यवसाय की आम सहमति कहती है। रॉल्फ प्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप
कनकले मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकले 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एनवर ब्रजे ने किया और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रल्फ की एन एस एस्टेन नली टू की जॉन लिथांगो सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के फिल्म में कोऑर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाता है। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्युओं के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एनकात में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अक्रबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए चार मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी थी टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी जो दृढ़ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देते हैं खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्बले का बचाव लिया लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तो उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तूतज समझते हैं एक पेटिस्ट की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में अडेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनक्लेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने
टिम्बले को रिश्ताखोरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लैरिस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किए, जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की छठे पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि देवन पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लोपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वह बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है, जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप के प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से आरिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस एमरल्ड की एनएस जॉन लिथम्बो एस्टर्नली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कॉस्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सीने सिटी में भी हुआ है। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवर रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसन कंपनी इंडियन पेक्टर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित। 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शक 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे जबकि 6 7 कॉकेशियन थे।
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइटलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2060 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार के रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाते हैं। कनक्लेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की तरह यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनक्लेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आर्य चरित होते हैं जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एकत्र करना शुरू कर देता है। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे दर्ज कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्ष की पेश किया जिसमें टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक पेटिस्ट की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में अर्डेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और एडेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा एडेमी से हुआ था। लॉरेंस एडेमी से भिड़ती है जो कहानी को पोषित करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन
कानाफूसी अभियान बाद की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। एडेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनकलेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्ट एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने एक नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ताखोरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया, जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांगो, बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डेलस की छठे मतपत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर सरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से आधिक है। वह अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस फिल्म में रल्फ पीकी, एनएस जॉन लिथगो, एस्टनली की टूकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाली है। जनवरी 22 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ। फिल्मकान सीने सिटी में भी हुआ। फिल्मकान मार्च में सप्राना हुआ। अगस्त 22 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नौ स्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म की नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार फिल्म नेशन की एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले की अधिकार हासिल किए जो यूनाइटेड किंगडम में इसकी पहली अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। स्टीवर रेस ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। अपनी पूर्वसंद कंपनी इंडियन पेक्टर्स के माध्यम से फिल्म का सब वित्त पोषण किया। नवंबर 22-3 में फोकस पिक्चर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। जुलाई 22-4 में कंक्लेव की घोषणा 8 सितंबर 22-4 को निर्धारित। 22-4 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियों अनुभाग के भाग के रूप में की गई थी। फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइन अप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा जहां इसका भी प्रीमियर होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशन अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इस प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 22-4 को रिलीज हुई थी। पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कनकलेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था।
और इसके शुरुआती सप्ताह में 1753 सिनेमाघरों में 46 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25 मिलियन कमाई, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 50 शामिल थे। यह सिर्फ 5 मिलियन की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके 7 दर्शकों 35 वर्ष से अधिक उम्र में थे, जबकि 67 कॉपियन थे। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 178 आलोचकों की 93 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 1.3 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है रॉल्फ फ्रीनेस के बेदाग निष्पादक और करियर हाइलाइट काम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कनकलेव मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। कनकलेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एडवर्ड ब्रजर ने किया है और पीटर स्टागर ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2016 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में रॉल्फ की एन एस एस्टेन, नली टू की जॉन लिथांगो, सर्जियो कैस्टोलीटो और इसाबेला रेस रोसेलिनी ने अभिनय के। फिल्म में कॉर्डिनल थॉमस लॉरेंस फिनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कॉनक्लेव का आयोजन करते हैं और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार की रहस्य और घोटाले की जांच करते हुए पाता है। कनकलेव का प्रीमियर 3 अगस्त 2024 को 51 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस पिक्चर्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को बैलिक बियर यूके की द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाने। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कर्डिनल्स के कॉलेज कर्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापा की कनकलेव के लिए एकांत में इकट्ठा होते हैं। कॉलेज कबूल के अर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आयरिश चरित होते हैं, जो बताते हैं कि पुराने पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कॉर्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार वन बेलिनी देवगन पोप की तरह एक उदारवादी, टू अडे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रतिवादी, थ्री टेम्बले एक मुख्य धारा की रूढ़िवादी और फोर टेसेको की एक परंपरावादी, जो दिर्ती वेटिकन परिसर के कुछ हिस्सों को उल्टना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवासी शाखा के दो नेता हैं। पहले मतदान से पहले लॉरेंस की कॉर्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देती है कि जिसे एक अभियान भाषण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हालांकि लॉरेंस को कनक्लेव में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहिए, वह कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी शोर एक तरह करना शुरू कर देता है। खुद को यह तर्क देते हुए कि वह केवल चर्च की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, वह कर्डिनल बेनिटेज के बारे में और भी अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्त भी थी जिसे दर्ज कर दिया गया था। दिवंगत पोप की विश्वास पत्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ही टेम्बले की इस्तीफा की मांग की थी। टेम्बले ने इसके इनकार किया और एक प्रत्यक्षदर्शी की पेश किया, जिसने टेम्बले का बचाव लिया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कि जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एक एडेमी की थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया। एक तक उम्मीदवार के बिना उदारवादी एडेमी के पीछे एकजुट हो गए। बेलिनी जो एडेमी की होमोफोबिया को तो तश समझते हैं, एक प्रतिष्ठ की नौकर शाही नियुक्त के बदले में टेम्बले की उम्मीदवारी का गुप्त रूप से समर्थन करने के लिए सहमत है। जैसे जैसे मतदान जारी रहते हैं, कनक्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली ननों में से एक
कार्डिनल्स के भोजन कक्ष में आर्टेमी का सामना करके हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती कि जब वह 90 साल की थी और आर्टेमी के 3 साल के थे तब उनका एक बेटा आर्टेमी से हुआ था। लॉरेंस आर्टेमी से भिड़ती है जो कहानी को पुष्ट करता है। हालांकि लॉरेंस इस रहस्यमय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यरत है, लेकिन कानाफूसी अभियान बाग की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। आर्टेमी को एक स्टेट ऑफ का संदेह होता है क्योंकि नन कनक्लेव में आने से पहले ही कभी नाइजीरिया से बाहर नहीं गई थी। प्रमुख नन सिस्टर एग्नेस लॉरेंस को सूचित करती कि टेम्पले ने नन को वेटिकन स्थानांतरित कर दिया। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती और दस्तावेज पाती। लॉरेंस और एग्नेस ने टेम्पले को रिश्ता होरी को सार्वजनिक करके उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, जिसे लॉरेंस और टेरेस के ही प्रमुख उम्मीदवार बच्चे हालांकि बेनिटेज ने भी काफ़ी वोट हासिल कर लिए। पांचवें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने वेटिकन पर हमला किया जिसमें बाहर भीड़ में कई लोग मारे गए और सिसिटन चैपल को नुकसान पहुंचा। टेडेस्को ने इस्लामवादियों को दोषी ठहराया और चर्च से इस्लाम के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिस्सा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकांगो बगदाद और कबूल में अपने कार्यालय के काल के दौरान इसकी असली कीमत देखी है। कॉन्डिलस की छठे पत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया जाता है कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज के दर्ज की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लुपोस्कोपी की हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो बेनिटेज से भीड़ जाता है जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है जब तक कि एक वैश्य के रूप में उसका अपडेक्टोमी नहीं हुआ और सर्जन ने पाया कि उसके पास एक भगर स्तरिया है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास के एक लिंग गर्भाशय को अंडाशय है। बेनिटेज ने अपनी महिला अंगों को रखने का फैसला किया क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज का रहस्य रखता है क्योंकि पुराने पोप की प्रति उसकी वफादारी उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक है। वह अपने छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि भीड़ बेनिटेज के चुनाव की जय जयकार कर रही है। मई 22 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्चर की तरह निर्देशित इस